नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस संदेश न्यूज में हूँ हेमंत गर्ग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। जी हाँ, लोकसभा टिकट का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जारी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर पुनः गजेंद्र सिंह पटेल के नाम की घोषणा की है। गजेंद्र सिंह पटेल जो वर्तमान में सांसद खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट है, पुनः उन पर पार्टी ने विश्वास जताया है और उनके नाम की घोषणा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। मध्य प्रदेश समेत कई जगह के उम्मीदवारों की आज घोषणा की गई है। इसी तारतम्य में बड़वानी खरगोन लोकसभा सीट के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, गजेंद्र सिंह पटेल को फिर से उम्मीदवारी दी गई है। आइए जानते हैं किस किस को कहां के लिए उम्मीदवारी दी गई। अनुसूचित जाति आरक्षित श्रीमती संध्या राय, ग्वालियर भारत सिंह कुशवा, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर श्रीमती लता वानखेड़े, टीकमगढ़ अनुसूचित जाति आरक्षित वीरेंद्र खाटी, दमोह राहुल लोधी, खजुराहो श्री वीडी शर्मा, सतना श्री गणेश सिंह, रीवा जनार्दन मिश्र, सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल श्रीमती हिमाद्री सिंह, जबलपुर श्री आशीष दुबे, मंडला अनुसूचित जनजाति फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा शिवराज सिंह चौहान, भोपाल आलोक शर्मा, राजगढ़ रोडमल नागर, देवास शेड्यूल कास्ट आरक्षित महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर सुधीर गुप्ता, रतलाम श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान, खरगोन श्री गजेंद्र पटेल, खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल दुर्गादास उइके।